तुमने तो अपनी शादी पर बुलाया नहीं, लेकिन मेरी शादी पर तुम्हें लाजमी आना है। आप आर्यन और मैं शादी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हमारा निकाह है। ओ हाय शर्बानो, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अपनी शादी पर नहीं बुलाया तुमने मुझे? आर्यन ने मुझे बताया था और मुझे अच्छा नहीं लगा, बल्कि हर्ट हुई हूँ मैं। हाँ हाँ, वो बहुत लिमिटेड लोग थे और हमने कोई बहुत बड़ा फंक्शन भी नहीं किया, बस इसलिए। एनीवेज, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। शेरी वो सामने को। वेलकम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बहन है। गुड टू सी यू। मी टू। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तुम अभी तक यहीं पर हो? आर्यन से कहा था मैंने तुम्हें इनवाइट करने का, लेकिन उसने कहा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हो। हाँ हाँ, बस नेक्स्ट वीक जा रही हूँ। ओह नो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तुमने तो अपनी शादी पर बुलाया नहीं, लेकिन मेरी शादी पर तुम्हें लाजमी आना है। आप आर्यन और मैं शादी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हमारा निकाह है। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा सुनो, किसी को बताना नहीं, आर्यन भी अनाउंस नहीं करना चाहता है। घर पर एक छोटा सा फंक्शन होगा सिर्फ खास लोगों के साथ, और तुम भी तो आर्यन के खास दोस्तों में से हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, आर्यन ने बहुत अच्छा किया। तुम जैसी लड़की तो उसको मिल भी नहीं सकती ना, तुम इतनी अच्छी हो। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे शेरी, मुझे नहीं लगता कि आर्यन फारिया से शादी करेगा। ये अचानक से आर्यन कहाँ से आ गया बीच में? अरे भाई, ऐसे ही पूछ रही हूँ। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? बेचारे को ऐसी मोहब्बत का झटका लगा कि फौरन ही शादी करने चल पड़ा। और वैसे भी जब उसने मुझे प्रपोज किया था, फारिया ऑलरेडी उसकी लाइफ में थी। लेकिन शेरी, आर्यन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। धोखा तुम्हें नायल ने दिया है। आर्यन ने तो बस अपनी मोहब्बत का इजहार किया तुमसे। ऐसा तुम्हें लगता है ना, मगर ये सच नहीं है। और वैसे भी जो सच होता है वो सामने आ ही जाता है, चाहे जल्दी आए या देर से। दिल का क्या करें, बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।